जिस तस्वीर का डर था वो तस्वीर भी अब धीरे धीरे लोगों के सामने आने लगी, जहां पूरी तरीके से भगवाधारी ब्रिगेड ने खासतौर पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जहां जबरन मुस्लिम महिलाओं के ऊपर रंग फेंकने की कोशिश की गई, तो वहीं मुसलमानों के घरों के आगे भड़काऊ गाने बजाए गए। और बिहार जाते जाते ये तस्वीर जो है वो सांप्रदायिक रंग में बदल गई, जहां बिहार में माहौल बिगाड़ने के लिए एक 6 वर्षीय बच्ची और 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। मुस्लिम बच्चियों के साथ इस घटना ने हर किसी को हिला करके रख दिया, तो वहीं दूसरी तस्वीर सांप्रदायिक माहौल की सामने आ रही है, जहां इन भगवा गुंडों ने खासतौर पर मस्जिद के आगे भड़काऊ गाने बजाए, और भड़काऊ गाने का जब विरोध मुस्लिम समुदाय की तरफ से किया गया तो देखते ही देखते पत्थरबाजी में माहौल बदल गया, और पत्थरबाजी में एक मुस्लिम बुजुर्ग का इंतकाल हो गया। आदाब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बिहार के बेतिया माधोपुरा से जो तस्वीर सामने आ रही है वो यकीनन डरा देने वाली है। किस तरीके से मस्जिद के ऊपर पथराव करते हुए लोग देखे गए हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। मारा लायक नीचे। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से ये लोग हुड़दंग करते हुए दिख रहे हैं, और इस हुड़दंग में ये मस्जिद के ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं, नमाजियों के ऊपर पत्थर बरसाने की कोशिश की गई। और इसी बीच इस पत्थरबाजी में एक मुस्लिम बुजुर्ग की मौत हो जाती है, और देखते ही देखते पुलिस फोर्स को बढ़ाया जाता है, और इस घटना के बाद कैसे मस्जिद के बाहर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है अलर्ट मूड पर था, और बिहार में किस तरीके से माहौल लगातार बनाने की कोशिश की जा रही है, ये तस्वीर लोगों के सामने है। और इन तस्वीरों को देख करके जो भारतीय जनता पार्टी की रुखसती बिहार से हुई है, वही बिहार भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे जंगल राज करार देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर यहां राजनीति से हट करके अगर चीजों को सोचा जाए तो सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार कब तक मुसलमानों को ऐसे ही निशाना बनाया जाता रहेगा। कैसे पूरा मामला सामने आ रहा है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बेतिया में होली खेलने के दौरान बुधवार की देर शाम दो गुटों के बीच जमकर पथराव हुआ। बताया जा रहा है कि एक समुदाय के लोग होली खेलने के दौरान मस्जिद के पास से गुजर रहे थे, भड़काऊ गाने बजा रहे थे, डांस और गुलाल उड़ाने को लेकर दूसरे समुदाय के लोगों ने आपत्ति जता दी। इसके बाद दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। इसमें 65 साल के शब्बीर मियां का इंतकाल हो गया है, 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मामला जिले के मझोलिया थाना के माधोपुर शेख टोली गांव का है। घटना की सूचना पर एसडीओ डॉक्टर विनोद कुमार, एसपीडीओ मुकुल परमिल पांडे, डीएम कुंदन कुमार और एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने मौके पर पहुंचकर हालत पर काबू पाया। इस घटना के बाद इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि होली के गीत बजाते हुए लोग मस्जिद के पास से गुजर रहे थे, कुछ लोग वहां मौजूद लोगों पर रंग अबीर फेंकने लगे, जिसके बाद ये विवाद हुआ। जबकि दूसरे गुट का कहना है कि लोग होली का गीत गाते गाते रास्ते से गुजर रहे थे, तभी मस्जिद से पत्थरबाजी शुरू हो गई। वहीं इधर माधोपुर के मुखिया
पति राजू चौधरी ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों के कारण पत्थरबाजी हुई है, जिसमें शब्बीर मियां खेत की ओर जा रहे थे, जहां शोरगुल और तेज आवाज होने के कारण उनकी मौत हो गई। वहीं सदर एसडीपीओ मुकुल परमिल पांडे ने साफ तौर पर कहा कि स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया है, शब्बीर मियां के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं, शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जो कि तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता भी चल सकता है। एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने साफ तौर पर कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौत का वास्तविक कारण जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। इस मामले में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए गांव में भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है, ताकि स्थिति पर काबू पाया जा सके। फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। जहां पत्थरबाजी के दौरान शब्बीर मियां की मौत हो जाती है, 10 लोग देखते ही देखते घायल हो जाते हैं, और पूरी मीडिया से जो एक स्क्रिप्ट गायब है वो ये कि मस्जिद के आगे भड़काऊ गाने बजाए जा रहे थे, जिसका विरोध मुस्लिम समुदाय ने किया। और जैसे ही विरोध शुरू किया तो किस तरीके से पत्थरबाजी की गई उसका भी वीडियो लोगों के सामने है, जिसके चलते आप मुस्लिमों की मस्जिदों के आगे पूरी तरीके से तेज आवाज में गाने बजाएं, हुड़दंग करें, मस्जिद के ऊपर रंग फेंकने की कोशिश करें, और अगर इस पर आपको रोका जाए कि आप यहां से थोड़ा सा 5-10 कदम दूर हो जाइए, तो इस पर भावनाएं आहत हो जाती हैं, और लोगों को टारगेट करते हुए देखते ही देखते ये जो कुछ शरारती तत्व होते हैं एक झुंड में तब्दील हो जाते हैं, और झुंड में तब्दील होने के बाद तस्वीर आप लोगों के सामने है कि किस तरह से बिहार के बेतिया में इन लोगों के द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। क्योंकि लगातार बिहार में ऐसी ही तस्वीर सामने आई जहां मुस्लिम बच्चियों को टारगेट करने की बात हो, चाहे मॉब लिंचिंग में मक्तूब को पीट पीट करके मार डालने की घटना हो, चाहे बिहार के बेतिया में मस्जिद के सामने हुड़दंग करने की तस्वीरें ही क्यों ना हो, हर एक तस्वीर से आप लोगों को रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।